इस जगत में दो ही व्यक्ति है जो कल्याण कर सकते हैं, एक गुरु का हृदय और दूसरा जिज्ञासु की श्रद्धा। जब दोनों का मिलन होता है तो कल्याण का जन्म होता है। गुरु के हृदय से निकली हुई वाणी क्या काम करते हैं गुरु? गुरु बिना बोले आपके संशयों का छेदन करते हैं। गुरु की आंखों में अमृत का वास होता है। जब आप सांसारिक जड़ताओं से घिरे होते हैं तो केवल गुरु की दृष्टि काम करती है, और जब बंधनों में घिरे होते हैं तो गुरु की वाणी काम करती है। दोनों ही आपको मुक्ति का रास्ता तय कराती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जब गुरु का हृदय और जिज्ञासु की श्रद्धा दोनों का मिलन होता है तो आत्म कल्याण का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? आत्म कल्याण का जन्म होता है। तब शिष्य कहता है, मचाले लूट, जरा सा शोर तो कीजिए, मचालो लूट, जरा सा शोर तो कीजिए सही, जरा शोर तो कीजिए सही। चाबी इश्क की दिल को जरा दीजिए तो सही। रूबरू होंगे खुद खुदा आपके, पलके उठाकर जरा देखिए तो सही। गुरु वो चीज होती है जिसके पास खुद खुदा है, जिसकी आंखों से वो नूर बरसता है, वो आंखों से मालामाल करता है, वो हृदय से मालामाल करता है, वो वाणी से मालामाल करता है। उसके पास देना ही देना है, दान ही दान है, उसका जीवन ही दान है। तो मचा के लूट, जरा शोर कीजिए तो सही। इश्क की चाबी जरा दिल को दीजिए तो सही। रूबरू होंगे आप खुद खुदा से, जरा पलके उठाकर दीदार कीजिए तो सही। इसको कहते हैं गुरु। गुरु की महिमा में शास्त्र भरे हैं। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, ये तो हमारे शास्त्र प्रमाण है। अगर शिव जी भी इस धरती पर आ जाए तो गुरु के बिना गति प्राप्त नहीं होती। आज नानक देव का जयंती है, इसीलिए आज गुरु की वाणी गाना, गुरु के गुण गाना तो बनता है, बनता है। गुरु का हृदय और जिज्ञासु की श्रद्धा दोनों एक में खो जाए। यही गुरु कहते हैं कि तुम सबसे भिन्न क्यों हो? तुम सबसे भिन्न ही इसीलिए हो क्योंकि मेरे द्वारा आप उस मुझ में उस परमात्मा का दीदार करते हुए अपनी मुक्ति की यात्रा तय करते हो। हम कर्तव्यों की बात पर आते हैं। हमारा कर्तव्य इतना है। कर्तव्य कर्तव्यों की जगह पर है, पर कुछ जब हम बहुत अच्छा चलते हैं और संसार से धोखा मिलता है, संबंधों में हम बहुत अच्छा करते हैं और प्रत्युत्तर में विपरीत फल मिलता है, आशाएं जब निराशा में बदलने लगती है तो हमारा मन बेचैन होता है और हम सोचते हैं कि आखिर कहीं कुछ ऐसा है जो स्थिर है, कहीं कुछ ऐसा है जहां भटकान का अंत है, कहीं कुछ ऐसा है जहां संदेह नहीं है, कहीं कुछ ऐसा है जहां संशय नहीं है। जब आपकी वो स्थिति आती है तब गुरु का जन्म होता है और तभी गुरु आपके भीतर बैठकर काम करता है। उस विक्षिप्त अवस्था को संभाल कर रखिए अगर आपके पास कभी आई हो। यही विक्षिप्त अवस्था कभी कभी कल्याण के द्वार खोलती है। वही अस्थिर अवस्था कभी कभी स्थिरता की ओर आपको यात्रा करने को मजबूर करती है। कहीं तो कुछ है वो जो अभी तक हासिल नहीं हुआ,
कहीं तो कुछ है जो अभी तक अधूरा है, कहीं तो कुछ है जो अभी तक अपूर्ण है। और तब आप वास्तविक कर्तव्य की ओर अपना रुख करते हैं, और जब आप वास्तविक कर्तव्य की ओर रुख करते हैं तब अंतर चेतना आपको उस परम गुरु तत्व से जोड़ने के लिए तैयार रहती, क्योंकि वो हमेशा तत्पर है, हमेशा तत्पर है आपको परम गुरु से मुलाकात कराने के लिए। कर्तव्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर बहुत विवरण हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, उसके लिए हम बहुत छोटे में उत्तर देंगे। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य व्यवस्थित है, क्या होना चाहिए, उसमें शास्त्र ही एक प्रमाण है। जो शास्त्र कहता है वही सबसे उत्तम कर्तव्य है। हमारा मन कहता है वो नहीं, हमारे विकार कहते हैं वो नहीं, हमारी इच्छाएं कहती हैं वो नहीं, शास्त्र क्या कहता है वही युक्ति आपके कल्याण के लिए प्रमाण है, और वही युक्ति गुरु आपको बांटते हैं। और तब हमारे परम कर्तव्य की ओर हमारा रुख करते हैं कि बेटा आपने पत्नी का कर्तव्य निभाया, पति का निभाया, बच्चों का निभाया, पर अभी तक मानव होने का कर्तव्य नहीं निभाया, मनुष्य होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मनुष्य होने का कर्तव्य ये है कि मैं आत्मा और परमात्मा, इसकी जात अलग नहीं, शरीर और संसार की जात एक है, आत्मा और परमात्मा की जात एक है, इन दोनों की टेंडेंसी एक है, संसार की और शरीर की टेंडेंसी एक है। कैसे, शरीर भी बदल रहा है ना, अभी आप आए तब आपकी उम्र और अभी की उम्र में फर्क है, कल और आज की उम्र में फर्क है, 24 घंटे कम हो गए, घंटे पल पल करते ही साल होता है, तब आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हो, पर पल पल होके ही तो महीना हुआ ना, महीना महीना होके ही तो वर्ष हुआ ना। तो ये शरीर परिवर्तनशील है, वहां संसार भी परिवर्तनशील है, यहां आत्मा स्थिर है तो परमात्मा भी स्थिर है, नित्य है। तो आत्मा की जात एक है, परमात्मा की जात एक है, शरीर की जात एक है, वहां संसार की जात एक है, दोनों परिवर्तनशील है। इसीलिए अगर सुख दुख आता है तो वो शरीर को आता है, आपकी आत्मा को आपका सुख दुख नहीं छूता। ये गुरु का ज्ञान है, यही गुरु का ज्ञान है। शरीर बीमार भी होता है, स्वस्थ भी होता है, तो वो अस्वस्थता अपने भीतर लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही तो मौका है कि आप साक्षी स्वभाव में टिक के आत्मा को स्वस्थ रखें, शरीर को शरीर के प्रारब्ध के अनुसार छोड़ दें। आप स्वस्थ हैं, मैंने ऐसे कई महापुरुष देखे, अस्वस्थ होते हैं फिर भी प्रसन्नचित्त होते हैं, बाहर की विकटता कई होती है फिर भी चित्त में कोई ग्लानि और क्षोभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि संसार की और शरीर की जात एक है, इसे बदलना ही है, इसे आप कितना भी ठीक रखो हर थोड़ी देर में ये परिवर्तित होना ही है, हो रहा है। खान पान सुधार लो, थोड़ा सा समझ लो, बात खत्म, परेशान होने की क्या जरूरत है। तो यही गुरु का व्यापक ज्ञान एक शिष्य को व्यापक परमात्मा से जोड़ लेता है। वही गुरु की वाणी में अमृत है, गुरु के वचनों में अमृत है, जो अमर पद की ओर यात्रा कराता है।